55 डिग्री का टेम्परेचर, तपती हुई रेत, इंडो पाक बॉर्डर का इलाका, लेकिन ड्यूटी करनी है तो करनी है। ये कहानी है बीएसएफ के जांबाज जवानों की। दरअसल बॉर्डर पर बीएसएफ की चुनौतियों को समझने पहुंचा था जी राजस्थान न्यूज बबलियान चौकी, जहां उसने इन जवानों के हालात को करीब से देखा। सीमाओं की चौकसी करने वाले जवानों के क्या हालात होंगे, किन परिस्थितियों में वो लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं, इस भीषण गर्मी में कैसे वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पूरे जज्बे के साथ सीमाओं पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं, इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। और ग्राउंड जीरो पर आज आपको हम ये दिखाएंगे कि इस भीषण गर्मी में जहां आम आदमी एसी कूलर के बीच बैठकर ये कहता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, उन परिस्थितियों में सीमावर्ती इलाके का जवान किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, किस तरह से देश की सीमाओं की रक्षा में जुटा है। आइए देखते हैं कि किस तरह से भारत पाक सीमा पर सैनिकों का जज्बा इस गर्मी में भी बरकरार है। प्रचंड गर्मी में हर जवान को 6 घंटे ड्यूटी बजानी होती है। ड्यूटी पर जाते वक्त सन ग्लासेस पहनना होता है, मुंह ढकने के लिए पटका लगाना होता है, खुद के लिए पानी की बोतल रखनी होती है, ग्लूकोज या नींबू प्यास साथ रखना होता है। इसके बाद वो बीओपी पर बने बैरक में वापस लौट जाते हैं, जहां उनको ठंडा रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम होते हैं। तो रियली इस मौसम में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है हमारे जवानों के लिए, लेकिन हमारे जवानों पर इस मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी मुस्तैदी से बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है बॉर्डर गार्ड करना, चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम हॉट हो, ये कोई मायने नहीं रखता, बाकी सर्वाइव करना बाकी में यहाँ बहुत टफ है, मई स्पेशली मई और जून के महीने में। गर्मी के सितम से यूं तो जवान भी परेशान हैं, मगर वो अपने कर्तव्य को पहले मानते हैं। इसके लिए सर ये कूलर लगाए गए हैं, पंखों की व्यवस्थाएं हैं, और भी मतलब वाटर कूलर लगाए गए हैं जिससे कि जवानों को ठंडा पानी मिल सके, और मतलब व्यवस्थाएं तो अच्छी की गई है जिससे मतलब ये लगे कि गर्मी से निजात पा सके जवान। जो टेम्परेचर है 55 डिग्री के ऊपर ही है, तो गर्मी तो काफ़ी होती है, फिर भी हम जो अपनी ड्यूटी है वो बिल्कुल मुस्तैदी से करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, व्यवस्था भी की गई है बीओपी में। तो मतलब सर्दी गर्मी हमारे लिए तो एक जैसे ही काम करना, ड्यूटी तो करनी है हमको, उसी तरीके से रहना पड़ता सर हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता प्रोग्राम। बैरक का हाल लेने के बाद हम पहुंचे उस जगह जहां से पाकिस्तान खुली आंख से सामने दिखता है। यहां पेट्रोलिंग के साथ हमने चंद कदम भी साझा किए। इस तपते रेगिस्तान पर लगती भारत पाक सीमा पर किस तरह से जो है वो चौकसी बढ़ती जा रही है, किस तरह से जो है वो पैनी निगाहों से इस सीमा की रक्षा की जा रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो पेट्रोलिंग टीम है, ये पेट्रोलिंग टीम जो है वो सीमाओं की चौकसी करती है, ये जो फेंसिंग है, इस फेंसिंग से इस पार कोई ना आ पाए, ये जो है वो प्रयास ये जो है वो पेट्रोलिंग टीम करती है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पेट्रोलिंग टीम जो है वो महिला जवानों की है, ये सारी जो है वो महिला जवान है, और किस तरह से जो है वो यहाँ पेट्रोलिंग कर रही है। मैडम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रविता चौधरी है। रविता जी किस तरह से जो है वो यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं आप, किस गर्मी में जो है वो कैसा महसूस होता है? जी हम यहाँ पे बड़े मुस्तैद होके, सजग होके, बड़ी ईमानदारी से हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। एक महिला होने के नाते जो है वो कैसा महसूस करते हैं आप, चूंकि एक लेडीज हैं और इतना जो है वो सख्त काम आपको सौंपा गया है, कैसा महसूस करती हूँ? एक महिला होने के नाते मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे देश सेवा करने का बहुत ही बड़ा अवसर मिला है। ये गर्व महसूस करती हैं कि इन्हें देश की सेवा करने का जो है वो मौका मिला है, और आज जो है वो हम इनके साथ पेट्रोलिंग करेंगे और जानेंगे कि किन कड़े हालातों में जो है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है। मैडम हम भी जो है वो आपके साथ में चलेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? श्वेता। श्वेता जी इस कड़ी धूप में जो है वो आप पेट्रोलिंग कर रही हैं, कैसा महसूस करती हैं? अच्छा महसूस हो रहा है, जब हमें अपने देश की प्रोटेक्शन के लिए चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो पेट्रोलिंग तो करनी है, या प्रोटेक्शन तो करनी करनी है ना। सरहद पर यूं तो खौफ की कई वजह होती हैं, मगर इन दिनों सबसे बड़ी वजह गर्मी बनी हुई है, क्योंकि दुश्मनी निकालने के लिए सूरज की दिनों दिन बढ़ती चमक काफी है। लेकिन इन जवानों के लिए सर्दी और गर्मी कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि इन्होंने जो ड्यूटी अख्तियार की है, इन्होंने जो जिम्मेदारी अख्तियार की है, उस जिम्मेदारी के आगे मौसम बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, और इस जज्बे को, इस जिम्मेदारी को जैसलमेर में सीमा पर जवान बखूबी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष रामदेव, जी मीडिया, जैसलमेर। तो
गर्मी अपने प्रचंड रूप में है, हर कोई कूलर और एसी के साए में सहारा लेता दिख रहा है, लेकिन हमारे देश के जवान अभी भी तैनात हैं सरहदों पर हमारी सुरक्षा के लिए, इस तपती गर्मी से भी जूझ रहे हैं। जवानों को गर्मी में लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है, ऐसे में अहम है उनकी खुराक जो उन्हें ठंडा रखे, उन्हें उत्साहित करती रहे। इस प्रचंड गर्मी में लगातार ड्यूटी किसी को भी परेशान कर सकती है। तपती गर्मी में सबसे जरूरी है अच्छी खुराक। अगर खुराक सही न हो तो शरीर के साथ मन पर भी मुसीबत पड़ सकता है। यही वजह है कि जवानों की डाइट और उनके राशन का पूरा ख्याल रखा जाता है। अभी हमने काफी बदलाव किया हुआ है यहाँ पर, जैसे ग्लूकोज मंगा दिया गया है, प्याज दे रहे हैं, जैसे ये खीरा है, खीरे का सलाद दे रहे हैं, उसके बाद लस्सी ज्यादातर हम यूज कराते हैं, दही की जगह लस्सी देते हैं, और उसके बाद में जो फ्रूटी वगैरह ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी हमने बदलाव किए हैं इस गर्मी को देखते हुए। साफ है कि जवानों के खाने का खास ख्याल रखा जाता है। खीरा, टमाटर, प्याज, फ्रूटी, ठंडा पानी, दही समेत दूसरे पेय पदार्थ ज्यादा शामिल किए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये जवान खुद भी अपने खाने का खास ख्याल रखते हैं। ये नींबू पानी, ग्लूकोज, ये सब चीजों का अपने पास रखते हैं। कोई प्रॉब्लम आने पर इन सब चीजों का हम सेवन करते हैं। ग्लूकोज, नींबू, प्याज, ये सब अपने पास रखते हैं, जिससे हम लोग बराबर सेवन करते रहते हैं। जवानों के लिए डीप फ्रीजर समेत तमाम दूसरी सुविधाएं रखी गई हैं, ताकि उन्हें गर्मी का एहसास परेशान ना करे। यहाँ उनके मनोरंजन के भी इंतजाम किए जाते हैं। ड्यूटी और उसके बाद में जवान को जो ही टाइम मिलता है, तो हमने यहाँ पर कैरम बोर्ड, टीवी की व्यवस्था, चेस इत्यादि हमने काफी यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि अपना जवान टाइम मिलने से अपना टाइम यहाँ निकाल कर देख सकता है। जवान अपने साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी पानी का भरपूर इंतजाम करते हैं। ये सैनिकों का वो सोशल चेहरा है, जिसे देखकर सोचना लाजमी है कि जहां लोग अपने इंतजाम में लगे होते हैं, वहां जवान जानवरों के लिए भी सोचते हैं। ये जज्बा आता है देश सेवा से, जो सिर्फ एक जवान ही समझ सकता है। तपते रेगिस्तान में किस तरह से जो है वो सर्वाइवल किया जाता है और कितना कड़ा सर्वाइवल होता है, ये जवान जो है वो बखूबी जानते हैं, और शायद इसीलिए यहाँ रहने वाले मूक पशु पक्षियों का दर्द भी ये समझते हैं, और इसी वजह से इन्होंने जगह जगह पर पशुओं के पीने के लिए पानी की खेलियां बनवा रखी है। वहीं जहां कहीं भी इन्हें पेड़ दिखाई देता है, वहां पर परिंडे टांग कर मूक पक्षियों की प्यास बुझा रहे हैं। मनीष रामदेव, जी मीडिया, जैसलमेर। और इस दौरान हमारी महिला जवान भी तैनात दिखती हैं। जी हाँ, जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ की महिला जवान कैसे 52 डिग्री के तापमान का मुकाबला करती हैं और देश की सरहद पर तपती गर्मी में कैसे पहरा देती हैं, ये देखिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पेट्रोलिंग टीम जो है वो महिला जवानों की है, ये सारी जो है वो महिला जवान है, और किस तरह से जो है वो यहाँ पेट्रोलिंग कर रही है। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रविता चौधरी है। रविता जी, किस तरह से जो है वो यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं आप, किस गर्मी में जो है वो कैसा महसूस होता है? जी, हम यहाँ पे बड़े मुस्तैद होके, सजग होके, बड़ी ईमानदारी से हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। एक महिला होने के नाते जो है वो कैसा महसूस करते हैं आप, चूंकि एक लेडीज हैं और इतना जो है वो सख्त काम आपको सौंपा गया है, कैसा महसूस करती हैं? एक महिला होने के नाते मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे देश सेवा करने का बहुत ही बड़ा अवसर मिला है। ये गर्व महसूस करती हैं कि इन्हें देश की सेवा करने का जो है वो मिला है, और आज जो है वो हम इनके साथ पेट्रोलिंग करेंगे और जानेंगे कि किन कड़े हालातों में जो है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है। मैडम, हम भी जो है वो आपके साथ में चलेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? श्वेता। श्वेता जी, इस कड़ी धूप में जो है वो आप पेट्रोलिंग कर रही हैं, कैसा महसूस करती हैं? सर, अच्छा महसूस हो रहा है। जब हमें अपने देश की प्रोटेक्शन के लिए, चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, पेट्रोलिंग तो करनी है, या प्रोटेक्शन तो करनी है ना। धूप से बचने के लिए हमारे पास बहुत से साधन है, ग्लूकोन वगैरह सब कुछ अपने पास में ही रखते हैं, और ड्यूटी तो सुबह शाम धूप हो या कुछ भी हो। मेरा नाम सावित्री गंगवार है। सावित्री जी, इस कड़ी धूप में कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे अपने देश की सेवा करने का मौका मिला है। इस धूप में, इस गर्मी में जो है वो किस तरह से आप अपना बचाव करती हैं? सर, इस धूप से बचने के और लू से बचने के लिए बहुत से अरेंजमेंट कर रखे हैं, जैसे यहाँ नींबू पानी, ग्लूकोनडी वगैरह की पूरा अरेंजमेंट है। एक लेडीज हैं आप, और महिलाओं को जो है वो बिल्कुल ऐसा नाजुक माना जाता है, महिलाओं को बहुत कोमल माना जाता है, इस बीच इस सख्त ड्यूटी में कैसा लगता है आपको? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अपने देश की सेवा करने का मौका मिला है। और रहा बात महिलाओं की, तो सर, पुरुष और महिलाएं आजकल दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।
बिल्कुल ठीक बात है, पुरुष और महिलाएं जो है वो आजकल बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये भी जो है वो देश के लिए गौरव की बात है कि ये देश की बेटियां किस तरह से देश की सीमाओं की, देश की बाउंड्री की, देश की प्रथम पंक्ति की जो है वो सुरक्षा कर रही है। सूरज की इस तपिश में घर से निकलना किसी जंग से कम नहीं। गर्मी के तेवर इतने सख्त कि 11 बजते ही सड़कें वीरान हो जाती हैं। ऐसे हालात में भी सरहद के निगहबान सीमा पर डटे रहते हैं। बेतहाशा गर्मी इन्हें परेशान तो कर रही है, लेकिन इस गर्मी में इतना ताव नहीं कि इन वतन परस्तों के हौसले को डिगा सके। ये रिपोर्ट देखिए। मई की इस गर्मी में आप जहां कूलर और एसी में वक्त बिता रहे हैं, वहीं देश की सरहद के निगहबान पारा 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बावजूद सीमा पर डटे हैं। बेतहाशा गर्मी इन्हें परेशान तो कर रही है, लेकिन इस गर्मी में इतना ताव नहीं कि इन वतन परस्तों के हौसले को डिगा सके। प्रचंड गर्मी से थार का रेगिस्तान अंगारों के समान दहक रहा है। पाकिस्तानी बॉर्डर के पास इन दिनों पारा 50 डिग्री से ऊपर चल रहा है। जमीन का तापमान इतना अधिक बढ़ गया है कि दोपहर में तपती रेत पर बीएसएफ के जवान पापड़ तक आसानी से सेक रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी विशाल से ज्यादा है। बचने के लिए हम अपने जर्किन में पानी लाते हैं, उसमें कपड़ा वगैरह लपेट के उसको गीला करते रहते हैं, पटका है, अपनी टोपी वगैरह लगाते हैं, इससे हम गर्मी का बचाव करते हैं। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये सीमा प्रहरी डटे हुए हैं। इनकी चौकस निगाहें सूरज की तेज तपिश के बावजूद हर आदम रफ्त पर टिकी हैं। बीएसएफ की 37 वाहिनी की इन बेटियों का हौसला आग उगलते सूरज को भी शर्मसार कर रहा है। हवा भी बहुत है, धूप भी है। ट्रेनिंग में हमें यही तो सिखाया जाता है कि कैसे सहन करना है, बस हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं। अब धूप भी हो या बारिश भी हो, ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। सूरज की किरणों से दो दो हाथ कर रहे ये जवान बीमार भी पड़ रहे हैं। सनस्ट्रोक, सनबर्न इन्हें परेशान कर रहा है। इन सब से निपटने के लिए बटालियन कमांडेंट की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। गर्मी से निपटने के लिए जैसे खाद्य पदार्थ हैं जो गर्मियों में ज़्यादा सेवन करे जाने की जरूरत पड़ती है, जैसे नींबू पानी है, सलाद के आइटम है, खीरा है, लस्सी है, इस तरह की चीज़ें हमने बहुत मतलब सफिशेंट मात्रा में बॉर्डर में प्रोवाइड की हुई हैं। गाड़ी बॉर्डर से रेगुलरली चल रही है और फ्रेश आइटम यहाँ से बाड़मेर से खरीदने हम उनके पास भिजवा रहे हैं। किसी भी चीज़ की जरूरत, उनके पास पैसा भी हमने एडवांस में काफ़ी स्टॉक किया है ताकि अगर बाड़मेर से नहीं, अगर लोकल अपने नज़दीक मार्केट से खरीदना चाहें तो ऐसी तमाम चीज़ें बॉर्डर से भी खरीद सकते हैं और उनको तमाम वो चीज़ें देने की कोशिश है हमारी। इसके अतिरिक्त हमने सारी BOPs में डीप फ्रीजर हैं, फ्रिज हैं और वाटर कूलर हैं, उसे भी लगाए हुए हैं ताकि हर आदमी को ठंडा पानी पीने के लिए मिले। जहां एक तरफ राजस्थान की सीमा पर सूरज के रौद्र रूप से जवान परेशान है, वहीं सूबे की ट्रैफिक पुलिस का भी हाल बेहाल है। दोपहर की बेपनाह गर्मी में जब सड़कें भी सुनसान हो जाती हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी अंजाम देनी पड़ती है। ऐसे हालात में कई पुलिस वाले बीमार भी पड़ रहे हैं। जिले में गर्मी बहुत जोर की पड़ा है, बचने के लिए तौलियो या काफलो जरूरी है, छाया में ज्यादा देर हो, ट्रैफिक व्यवस्था तो है ही है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। गर्मी बहुत ज्यादा है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, तो सारा बचाव करके चल रहे हैं। चुरू MP ने ट्रैफिक स्टाफ के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। सिपाहियों को पानी की बोतलें रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद बॉर्डर पर मौजूद जवान और पुलिस वालों का हौसला ही है जो इतनी तेज गर्मी के बावजूद इन्हें अपने फर्ज से डिगा नहीं पा रहा। चुरू से विनोद शर्मा और बाड़मेर से भूपेश आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।